कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कल जैसे पढ़ा था हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, सेम उसी तरीके से ये भी है। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पर रखे हुए, सिस्टम ऑफ चार्जेस बन रखा है, और हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए लेट कर लीजिए हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कैसे फाइंड करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर एक पॉइंट के कारण से जितने भी चार्जेस हैं, हर एक चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा। जैसा हम लोगों ने कल प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पढ़ा था, सेम एज इट इज है ये। E1 प्लस E2 प्लस E3, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ तक, एन पार्टिकल्स तक जा सकते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मुलिक फॉर्म में लिखें, जैसे आपको फॉर्मूला पता ही है, कल मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको सॉरी कल हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझाया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर Q1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर Q2 स्क्वायर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 आर स्क्वायर, Q3 बाई R3 स्क्वायर, यहाँ पर R2 स्क्वायर, यहाँ पर R1 स्क्वायर रख लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा हमें Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर प्लस Q3/R3 स्क्वायर, और इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। बेटा समझ में आया सबको? अगर इसको आप समेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा। और इसको आप समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई का होल स्क्वायर, जहां पर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा इतने में? समझ में आ गया है? ये तो इजी भी था, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अगर आपको समझ में आ गया था कल तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले टॉपिक पर जाएं हम लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए अगला टॉपिक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इसको लास्ट में भी पढ़ाया जा सकता था, बट लास्ट में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इससे पहले हमें गॉस थ्योरम पढ़नी है और गॉस थ्योरम में इसका भरपूर इस्तेमाल है, तो इसको जानना आपके लिए जरूरी था। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बेटा होता क्या है कि जब हम कभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि हमेशा हमें स्टडी करने के लिए, जो रियल लाइफ में हमें स्टडी करने को मिलता है, क्या हमेशा रियल लाइफ में स्टडी करने के लिए हमें क्या मिलेगा? क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? हमेशा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ेंगे? जी नहीं, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अगर हम किसी प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे ना, बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे होंगे, तो हम बहुत सारे चार्जेस को पढ़ते हैं। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो नहीं पढ़ सकते, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना मतलब हमें डेली लाइफ में हमें जो प्रैक्टिकली मिलता है वो हमें
चार्जेस का गुच्छा मिलता है, एक तरीके से कई सारे चार्जेस का संगठन मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मिलते हैं। तो जिस वजह से हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन फैले होंगे। हो सकता है किसी रॉड के बारे में हम रिसर्च कर रहे हो, किसी रॉड के बारे में पढ़ रहे हो, तो पूरे रॉड पर लीनियरली फैले होंगे, मतलब पूरे चार्जेस जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस तरीके से। मान लो ये रॉड के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, इस रॉड के बारे में, तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे लीनियरली, है ना। हो सकता है हम किसी शीट के बारे में पढ़ रहे हो, कोई पेपर शीट है, कोई शीट मेटल की शीट है, कोई कुछ भी शीट हो सकती है, इस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, तो इस पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, सर्फिशियल यानी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। और हो सकता है हम किसी सिलेंडर के बारे में, किसी कोन के बारे में, किसी स्फेयर के बारे में इस तरह से पढ़ रहे हो, तो हमें क्या मिलेगा, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा किस तरीके से, वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में फैले होंगे चार्जेस। तो इस तरह से हमें स्टडी करनी पड़ती है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का, ठीक है। तो समझिए कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, इस पर कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हर एक जगह पर, बराबर बराबर, या यूनिफॉर्मली कह सकते हो आप, कंटिन्यूअसली कहो या यूनिफॉर्मली कहो, यूनिफॉर्मली इस सरफेस पर, इस ऑब्जेक्ट पर, या इस कोई भी सरफेस कह सकते हो, इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितने चार्ज है, तो हमने मान लिया कि डी क्यू चार्ज है, कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और हमें इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें इस पॉइंट पी पर, इस सरफेस के बाहर यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इस पर हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम पहले फोर्स फाइंड कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसानी से निकल ही आएगा, हम पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड कर लिया, पहले एक चार्ज की वजह से वहां पर फोर्स फाइंड कर लो, फिर हर एक चार्ज उसी तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि हर एक चार्ज क्या है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक चार्ज पर हम, एक चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लें, उसके बाद हम सभी चार्जेस का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सभी चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स पॉइंट पी पर है वो हमें मिल जाएगा। हमें सिंगल सिंगल एक एक चार्ज को फोर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में करते थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर क्या करते थे, हर एक पार्टिकल की वजह से अलग अलग चार्जेस हम अलग अलग फोर्स फाइंड कर सकते थे, या फिर वहां पर क्या होता था कि वहां वो तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, बट सभी के लिए डिस्टेंसेस अलग अलग हो। बट यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी सर्फेस पर कोई चार्ज फ्रीली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो इस पॉइंट पी पर हमें फोर्स फाइंड करना था, तो हमने छोटा सा फोर्स फाइंड कर लिया, डीएफ फाइंड कर लिया। डीएफ फाइंड कर लेंगे तो कैसे आएगा, 1/4πε0 और क्यू डी क्यू, और यहाँ पर अगर हम इसको क्यू नॉट मान लें, यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट चार्ज है इस पॉइंट पी पर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा समझ में आया सबको। और अगर हमें हमें पूरे सिस्टम की वजह से चार्ज फोर्स निकालना है, तो हम क्या करें, फोर्स को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। फोर्स को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे पूरे सिस्टम के लिए, फोर्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1/4π इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 1/4πε0 डी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉन्स्टेंट है, कुछ कॉन्स्टेंट है बेटा, क्या कॉन्स्टेंट है बताओ, क्या कॉन्स्टेंट है। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से आर कैप भी लिख सकते हो, ऐसे आर कैप लिख लो वेक्टर फॉर्म। तो क्या कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, और क्यू नॉट भी तो कांस्टेंट है बेटा, देखो क्यू नॉट कांस्टेंट है ना, क्यू नॉट तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये चेंजेस हो सकते हैं डी क्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और क्या आर कैप, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फोर्स के लिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का हो सकता है, मैंने अभी समझाया, या तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो पूरे
वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि यूनिफॉर्म चार्ज सॉरी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और तीसरा हो सकता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, हम तीनों को पढ़ने वाले हैं। तीनों को पढ़ेंगे, वॉल्यूम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये तो जर्नल हो गया बेटा, ये जर्नल हो गया। अब इसमें तीन टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पढ़ेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ए मान लेते हैं, क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लो ये रॉड है, इस रॉड पर कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा, एफ फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा, 1/4 πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू जो है वो पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। मान लेते हैं इसकी लेंथ अगर एल है, इसकी लेंथ अगर एल है, इसकी लेंथ अगर एल है, और इस पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी लेंथ हम डी एल मान लेते हैं। तो बताओ कि जो क्यू चार्ज होगा, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, ये तो फिक्स होगा ना। अगर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज इन पर यूनिट लेंथ फिक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज तो फिक्स हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं लैम्डा से। लैम्डा से डिनोट करेंगे किसको? चार्ज इन पर यूनिट लेंथ को। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ को डिनोट करेंगे किससे बेटा? लैम्डा से डिनोट करेंगे। और इसको कहते क्या है? इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं, इस लैम्डा को कहते हैं, लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालें तो लैम्डा डी एल मिलेगा, लैम्डा डी एल मिलेगा। तो हम डी क्यू की वैल्यू जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 1/4 πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन, डी क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर कैप। ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। समझ में आया? दिक्कत किसी को? आसान है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? चाहिए, पढ़ते हैं अब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉइंट बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस में मान लीजिए एक शीट है और इस पर एक पैड, कैसा डिस्ट्रीब्यूट है ये? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, तो यहां पर क्या लगेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस। डी क्यू अपॉन डी एस का मतलब चार्ज इन पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहा जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम एक अगर समझ में आ गया बेटा, तो सब उसी तरह से रिलेटेड है। एफ इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4 πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन, डी क्यू की जगह पर आ जाएगा सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर कैप। आ गया समझ में ये भी? एक आ गया होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा उसी तरह से है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से है लगातार। आ गया समझ में बेटा? हाँ बेटा,
वो इंटीग्रेट करेंगे, डीएस को हम आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, पहले डीएस को हम आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। देखो यहाँ पर आर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में फिर उसको चेंज करके तब फिर सॉल्व करेंगे उसको। कंडीशंस जब क्वेश्चंस लगाओगे तो कंडीशंस मिलेंगी, एनसीईआरटी में भी दो तीन क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इसके बेसिस पर दिए हुए हैं। मैं लगवाऊंगा एनसीईआरटी लगवाऊंगा, पूरा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, ठीक है, तो सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा बेटा, मैं लगवाऊंगा। पहले सर ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। हाँ, कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे, जो इजी होंगे वे डिक्टेट करके समझा दूंगा आप लोगों को। जो आसान होंगे मैं आपको डिक्टेट करके समझा दूंगा, आप लोग खुद से कर लेंगे। जो टफ होंगे मैं वो खुद करवाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। चलो बता देना, बता देना, भेज देना, मैं कर दूंगा। लास्ट है बेटा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। एक स्फेयर हो गया, इस पर सभी सरफेस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तो इस पर क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं क्या, रो से डिनोट करते हैं उसको, कहते क्या है, डीवी अपॉन, सॉरी डी क्यू अपॉन डी एस, डी क्यू अपॉन डीवी, और डीवी को क्या क्या कहा जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आसान है, अब तो आसान लग रहा होगा। सिग्मा डीवी आर स्क्वायर और यहां पर वेक्टर, नोट करो जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। हो गया, आज मेरा टारगेट है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म करने का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। आज इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म कर लेंगे तो कल गॉस थ्योरम टच कर लेंगे। मैं साइड में ही तो हूं बेटा, रफ करें। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल का मतलब दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन चार्जेस, मतलब चार्जेस अपोजिट होने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल और अपोजिट का मतलब समझ रहे हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत क्लोज रखे जाते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज रखे जाते हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा होता क्या है, डाइपोल से मतलब समझ रहे हो, दो पोल, दो पोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जैसे मैग्नेट में होता है, मैग्नेट में एक नॉर्थ साइड होता है, एक साउथ साइड, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, वो भी एक डाइपोल है बट वो मैग्नेटिक डाइपोल है, वो क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, बट हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जस्ट लाइक एक फॉर्मूला, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझ रहे होंगे, HCl, HCl, HCl का जो बाउंडेशन होता है वो H प्लस और Cl माइनस का होता है। यहां पर कितने चार्ज है बेटा, एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज है लेकिन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, यहां पर एक चार्ज है लेकिन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां पर एक चार्ज है नेगेटिव। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो अगर ये छोटी सी डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एक इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के दो चार्जेस, अगर एक दूसरे से बहुत नजदीक रखे हुए हैं, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, और इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा।
तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर आर placed very close to each other, then the system is known as electric dipole. समझ में आ गया बेटा? नोट करिए मैं तब तक अब. हाँ बेटा, नहीं उनको ऐसे रखा जाता है कि वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे. आप पकड़ सकते हो उनको, रोक रोक के रखा जा सकता है ना. ऐसा अरेंज किया गया है उसको, ऐसा अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. समझे भाई? हमारे पास दो चार्जेस थे, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां रखा हुआ है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है. लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों को पकड़ करके रखे हैं. और पकड़ करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे सिस्टम. हाँ, एक एनर्जी आएगी, एक एनर्जी आएगी, एक एनर्जी आएगी जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. अभी उसको भी पढ़ेंगे भाई. हम फोर्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं ना उसको रोकने के लिए, तो एक एनर्जी आएगी ना, वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की. क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है. अब मान लो कि दो चार्जेस हैं, ये पहला चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q है और ये नेगेटिव चार्ज Q है, और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस जो है वो 2L है. इन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L. तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट स्मॉल p से डिनोट करते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल p से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल्स टू द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. और यहां पर जो चार्ज रहेगा वो सिर्फ एक चार्ज रहेगा. तो डाइपोल का फॉर्मूला हो जाएगा q इंटू 2l, या फिर आप लिख सकते हो 2QL. यहां पर जो 2L है ये पूरी डिस्टेंस है. 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस. अब ध्यान ये रखिएगा कि यहां पर हम डिस्टेंस L भी ले सकते थे, यहां पर हम डिस्टेंस L भी ले सकते थे, बट हमने डिस्टेंस को 2L क्यों माना? क्योंकि कैलकुलेशन करते समय हमें डिस्टेंस चाहिए होती है आधी. अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि कैलकुलेशन में इसकी डिस्टेंस को हाफ चाहिए होता है. तो अगर 2L का हाफ लेंगे तो L हो जाएगा, लेकिन अगर हम L मानते और L का हाफ लेंगे तो L बाई 2 आ जाएगा. तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा. डेरिवेशंस कुछ ऐसे हैं जिसमें इसकी इसकी हाफ डिस्टेंस की जरूरत होती है, तो फिर दिक्कत करेगा. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2L लेंथ मान रहे हैं, L लेंथ नहीं मान रहे हैं. हम चाहें तो L लेंथ मान सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा. बोलो हिमांशी, क्या बोल रही हो? पूरे सिस्टम का, पूरे डाइपोल का है, पूरे डाइपोल का है, लेकिन यहां पर फॉर्मूले में जो लेते हैं वो सिर्फ एक चार्ज लेते हैं. आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी. बेटा दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज हैं, बट एक चार्ज और दो चार्ज मिलकर के सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं. तो यहां पर चार्जेस एक, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों के बीच के दोनों ले रहे हैं ना, डिस्टेंस तो दोनों ले रहे हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर.
तो ये चार्ज इस चार्ज पर कितना इफेक्ट कर रहा है ये हमें कैलकुलेट में मिल जा रहा है। अगर हम इस चार्ज को लेंगे तो इस चार्ज का इतनी डिस्टेंस पर जाकर के कितना स्ट्रेंथ है वो पता चल जाएगा। तो चार्ज तो एक ही लेना पड़ेगा भाई, एक चार्ज की वजह से दूसरे पर फोर्स लग रहा होगा ना, या दूसरे चार्ज की वजह से पहले पर फोर्स लग रहा होगा, तो कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसकी वजह से या तो इस पर लगेगा, इसको लोगे तो इसकी वजह से इस पर लगेगा। आप समझ में आया? देखो तीन चार चीजें हैं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की डायरेक्शन समझिए, सबकी डायरेक्शंस बहुत समझना आसान है, बहुत समझना याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी, और दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, इसको याद रख लीजिएगा बस। एंड इट इज ऑल्सो अ कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। कुछ चीजें बेटा याद करनी होंगी, कुछ चीजें याद करनी होंगी, कुछ चीजें आपको समझने के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा अभी आपको जाननी पड़ेंगी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होती है, इसके पीछे की लंबी कहानी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो समझ लोगे तब ये समझ में आएगा। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ, फोर्स क्यू नहीं है बेटा, क्यू इज नॉट अ फोर्स, क्यू पर फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, हाँ लगाएगा बिल्कुल, पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, कल पढ़े थे ना, तो फोर्स अगर निकालोगे तो फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट मिलेगा बेटा, ये होता है फोर्स। अगर हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिलेगा यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई थोड़ी ना है। हाँ वर्क डन मिल जाएगा, अगर ई नॉट से यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही डायपोल जो बन जाएगा वो वर्क डन बन जाएगा। वही मैं कह रहा हूं ना कि इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरीके से वर्क डन ही तो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन है ना, तो वो पढ़ेंगे, है आगे चैप्टर में है, आपके कोर्स में है, उसको पढ़ेंगे आगे। हाँ वर्क डन इसी चैप्टर में है। भेज देना ठीक है, इसको रफ करें, ये हो गया सभी का। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे अब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, इसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था 1/4πε0Q/R2, ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये कंडीशन दो हो सकती है, समझो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, बताइए क्रिएट होगी कि नहीं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जैसे एक सिंगल चार्ज की वजह से चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है,
उसी तरीके से इस डायपोल की वजह से इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। हम चाहें तो किसी भी पॉइंट पर, इस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं क्या, वही हम फाइंड करने जा रहे हैं। इस डेरिवेशन का मेन मकसद ये है कि किसी डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, किसी डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम बेटा आपके सिलेबस में दो कंडीशन है, आपके सिलेबस में दो कंडीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तीसरी कंडीशन पर आपको फाइंड नहीं करनी है। सिर्फ दो कंडीशन आपके कोर्स में है। पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इसके एक्सियल पॉइंट पर, मतलब एक्सिस, इस जो डाइपोल है डाइपोल के एक्सिस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट का मतलब यहां पर ऐसे एक्सियल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इस डाइपोल के मिड पॉइंट के, डाइपोल जो है डाइपोल का मिड पॉइंट जो है ओ, डाइपोल का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहां पर इस परपेंडिकुलरली, इसको कहा जाता है एक्सियल पॉइंट, इसको कहा जाता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, और इस पॉइंट को कहा जाता है बेटा इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, एट एन इक्विटोरियल पॉइंट। बेटा ये दो कंडीशन आपको पढ़नी है, दो कंडीशन पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। पहला है एक्सियल पोजीशन पर और दूसरा है इक्विटोरियल पोजीशन पर। इसमें कोई दिक्कत किसी को बताइए। रैंडम पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, रैंडम पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। सिलेबस में आपके दो ही पॉइंट है, एक तो एक्सियल पोजीशन पर और दूसरा इक्विटोरियल पोजीशन पर। रफ करें इसको, तो ये कंडीशंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि आज टाइम होने वाला है, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा, कल ये कंडीशंस में खत्म करूंगा और उसके बाद कल हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आगे की तरफ, ये डायपोल का टॉर्क वगैरह पढ़ने के बाद, टॉर्क पढ़ने के बाद फिर हम लोग जाएंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं फिर, ठीक, चलिए बाय बाय।